नमस्कार का फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर है ब्रेकिंग न्यूज के साथ, बड़ी न्यूज के साथ। दरअसल अरुण जेटली को हो गया है कैंसर और अब पेश नहीं कर पाएंगे वो बजट, अभी की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, मेडिकल चेकअप के लिए अचानक अमेरिका गए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा नाम का एक दुर्लभ किस्म का कैंसर होने का पता लगा है। जेटली को ऐसे समय में इलाज के लिए जाना पड़ा है जब वित्त मंत्रालय में अंतरिम बजट की तैयारियां जोरों पर है। यह मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट भी है और एक सूत्र ने बुधवार को बताया कि जेटली संभवतः 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश नहीं कर पाएंगे। बता दें कि 66 साल के जेटली को पिछले साल 14 मई को एम्स में गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था और रविवार को उनके अमेरिका रवाना होते वक्त माना गया था कि वह गुर्दे की बीमारी से जुड़ी जांच के लिए ही गए हैं। उनकी वापसी की तारीख को लेकर के अभी कोई जानकारी साफ नहीं है। कुछ सूत्रों ने उनके 19 जनवरी तक लौटने की बात भी कही है, लेकिन कुछ ने यह तारीख आगे बढ़ने की संभावना भी जता दी है। इस बारे में मंत्रालय के अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है। आमतौर पर अंतरिम बजट में सरकार कोई नई घोषणाएं नहीं करती है, लेकिन अटकलें हैं कि करदाताओं और किसानों को खुश करने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद जेटली के ऑफिस में लौटने तक रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। सितंबर 2014 में जेटली की बैरियाट्रिक सर्जरी भी हुई थी। इधर अमित शाह को स्वाइन फ्लू और एम्स में भर्ती हुए हैं। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है। इसकी पुष्टि के बाद उन्होंने एम्स में भर्ती उनको करवाया गया है और स्वाइन फ्लू होने की जानकारी शाह ने खुद ट्वीट करके दी है। उल्लेखनीय है कि सीने में दर्द और बुखार की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में लाया गया था। एम्स के डॉक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में भी जुटी हुई है। बुधवार रात 9 बजे एम्स के ओल्ड प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 301 में उन्हें दाखिल कराया गया है। और अभी अभी ठीक एक दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी बीमार चल रहे हैं और बीमार होने की वजह से उन्हें भी एम्स में भर्ती कराया गया है। तो लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं का बीमार होना, एम्स में भर्ती होना और अभी अभी अरुण जेटली का कैंसर होने का जो खुलासा हो रहा है और इस वजह से उनका जो अमेरिका जाना हो रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला न्यूज़ है। खास करके इस जब ऐसे समय में जबकि ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी के आसपास को, और ये बजट बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर अरुण जेटली आप इस वक्त में ऐसे समय में बीमार होने की वजह से नहीं हो पाते हैं मौजूद, तो ये बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी हो सकती है बीजेपी के लिए। अब ये देखना होगा कि अरुण जेटली के नहीं होने के बाद से किन्हें फिलहाल जो वित्त मंत्री का पद दिया जाता है उनके बजाय कौन इन पद को अभी संभालता है, या यूँ कहें कि कौन इसको हैंडल करता है। साथ ही बजट बेहद ही अहम है, जिसको लेकर के हमने पहले भी कुछ कार्यक्रम किए हैं, कुछ न्यूज़ में बताया है कि जो आगामी बजट है, जो अंतरिम बजट है मोदी सरकार का, उसमें कई नए फैसले की उम्मीद की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है, सुना जा रहा है सूत्रों के हवाले से न्यूज़ है कि मोदी सरकार जो आम जन है, जो जनता है, उसको खुश करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए कई कुछ नई पेशकश कर सकती हैं। बहरहाल हम फिर से हाजिर हूँ कुछ नए रिपोर्ट्स के साथ, कुछ नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहे हमारे न्यूज़ चैनल, और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।